नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं, मेरा नाम है अंकित त्यागी। और आज की सबसे बड़ी खबर जो है, जो लगातार बात इतने महीनों से कि मैं कहूं तो सालों से चल रही थी, जातिगत जनगणना को लेकर। बिहार के अंदर जो जातिगत जनगणना हुई है उसके आंकड़े जो हैं वो आज जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक इसे रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद जब हरी झंडी मिली तो अब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो चुकी है और इसमें अब बिहार के अंदर आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके हिसाब से 19.6% अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल जो है 1.68% है। वहीं बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो करीब 36% है, 27.1% पिछड़ा वर्ग है बिहार में। इसको अगर और थोड़ा तोड़े तो यादव जो हैं वो करीब 14.26% हैं, कुर्मी 2.87% हैं, अनारक्षित जो जाति है, जो वर्ग है, वो है 15.52% यानी कि 15.5%। अब इसमें राजपूत भी आते हैं 3.45%, भूमिहार 2.86%, ब्राह्मण 3.86%। बिहार की जातिगत जनगणना में मुस्लिम आबादी जो है वो 17.07% रखी सामने आई है। और इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति जो है वो अब साथ ही साथ उसमें भी काफ़ी उछाल आएगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला है कास्ट सर्वे का, सेंसिस का, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी एक बार इसका विरोध किया, कहा कि देखिए जनगणना जो है वो सिर्फ सरकार का काम है और कोई नहीं कर सकता। फिर उस एफिडेविट को चेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली और उसके बाद ये हुआ है। अब जो इंडिया अलायंस है वो लगातार हर राज्य में जा जाकर ये बात कर रहा है कि भैया जो कास्ट सर्वे है वो कराना अति आवश्यक है, उसी के हिसाब से तय होगा किसको क्या दिया जाना चाहिए। तो क्या इससे एक बार फिर से रिजर्वेशन की, ज्यादा रिजर्वेशन की, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का जो नारा दिया जा रहा है, ये कैसे राजनीतिक तौर पर होगा और आर्थिक तौर पर, नीति के तौर पर क्या बदलाव लाएगा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। इन आंकड़ों के आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसके आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए अग्रसर जो अग्रोत्तर कार्रवाई है वो की जाएगी। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा में उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित गणना के परिणामों का उन्हें अवगत इससे कराया जाएगा। इस पर लालू प्रसाद यादव भी बोले हैं, बीजेपी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया है। तो सबसे पहले गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, जरा वो सुनवाते हैं आपको। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था, जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। सीधे चलिए चलता हूं आपको बिहार। इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लगातार कई महीनों से आप इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं, इसको लेकर जो राजनीति होती रही, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, आज ही आने के बाद सबसे पहले क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके विरोध में भी कुछ स्वर उठा रही है क्या?
देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है और राज्यों को गणना कराने का अधिकार है, तो गणना कराई गई, लेकिन बिहार ने साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया जिसकी रिपोर्ट उन्होंने आज जारी नहीं की है। लेकिन जो आज जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, निश्चित रूप से बीजेपी को इस मामले में आप कह सकते हैं कि आधे मन से उन्हें इसका समर्थन किया था, शुरू से ही उनकी पार्टी की राजनीति रही थी, कई नेताओं ने मुखर रूप से विरोध किया था, लेकिन बाद में चूंकि इसका कोई राजनीतिक खामियाजा ना उठाना पड़े इसलिए उन्होंने दबी जुबान से इसे समर्थन भी किया और आज भी वो कह रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट का आखिर राजनीतिक असर क्या होने वाला है, या इस रिपोर्ट को बिहार में जो महागठबंधन सरकार है वो आने वाले दिनों में कैसे इस्तेमाल करेगी, तो इसके लिए अंकित आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। 2014 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार ने, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने EWS कोटा लाया था ऊंची जाति के लोगों के लिए, और उनका जो कोटा था वो 10% का था, और उस हिसाब से देखिए उस समय भी कहा गया था कि 15% आबादी को 10% दिया गया है, लेकिन जो OBC का आरक्षण है वो 27% है। उस समय तक ये तर्क दिया जाता था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीलिंग लगाया हुआ है कि आप उससे ज्यादा कोटा नहीं रख सकते हैं, लेकिन उस समय संविधान में संशोधन करके ये EWS कोटा का प्रावधान किया गया। लेकिन आज का जो बिहार का जातीय गणना का जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से जो बिहार में पिछड़ी जाति है, बिहार में पिछड़ी जाति दो वर्गों में विभक्त है, OBC और EBC के बीच में, यानी कि सामान्य पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां, यानी कि जो उनमें सबसे गरीब वर्ग है, तो उनकी आबादी 62% है, लेकिन आज की तारीख में नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में उनका आरक्षण का जो कोटा है वो मात्र 27% है। तो आने वाले दिनों में वो चाहे विधानसभा में इस पर बहस हो या कोई अन्य महकमे में इस पर चर्चा हो, तो निश्चित रूप से आज के बाद ये मांग उठेगी कि अगर 15% आबादी के लिए आपने 10%, यानी कि उनकी आबादी का 66% आरक्षण का प्रावधान किया है या उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो 62% आबादी को आप मात्र 27% में ही सीमित कैसे रख सकते हैं। अंकित, ये मुद्दे की बात है कुल मिलाकर, और इसी के ऊपर अब आगे की राजनीति जो है वो मुखर होने वाली है। जो मनीष जी अभी समझा रहे थे कि अब जो बार बार बात होती है कि भाई संख्या इतनी ज्यादा है, उसका क्या परसेंटेज इनको अब रिजर्वेशन में मिलना चाहिए, ये अब एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका सवाल इंडिया का। मैं आज की दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चुनावी दौरे पर हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में जाकर दर्शन किए, इसके बाद उन्होंने 7,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर पहुंचे। राज्य की गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की राजस्थान सरकार की साख पर सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने राजस्थान की साख को मिट्टी में मिला दिया। वहीं SC ST और पिछड़े वर्ग पर बहुत अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये बात दोहराते हुए जो मुख्यमंत्री के पद को लेकर बीजेपी में चर्चा चल रही है उस पर बात कही और कहा कि यहां पर दावेदार और चेहरा कमल है। जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब के जालंधर जिले में प्रवासी मजदूर की 3 बेटियां अपने घर में मृत पाई गई। 3 में से
जो बेटियां थीं उसमें से 9 साल की इन बच्चियों के शव एक बक्से में बंद पाए गए। पुलिस को शक है कि बच्चों के पिता ने ही इनकी हत्या की है। तीनों लड़कियां रविवार शाम से गायब हैं। कल ही उनकी गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई गई थी। रात 11 बजे पुलिस स्टेशन मकसूदा जलंधर रूरल सानू इनफॉर्मेशन मिली भी 3 बच्चियां प्रवासी मजदूर हैगा सुनील मंडल। वड्डी बच्ची 9 साल दी अमृता कुमारी, छोटी 7 साल दी कंचन कुमारी, जी लास्ट सब तो छोटी 3 साल की हैगी पारसो। ये बच्चियां गुम हो गई, लभ नहीं रही। मौके पर असी गए रात, पुलिस जी आस पास लागे एक नहर भी लंघती है, सारे असी पड़ताल करते नहीं पता लगा। सुबह 6:30 बजे फिर साडा सब इंस्पैक्टर मेजर सिंह मौके पर जाता, तो जोड़ा ये प्रवासी है सुनील मंडल, इन्हें अज अपना कमरा शिफ्ट करना थी। इन्हें मकान मालक ने कहा भाई तू कमरा होर ले ला, तेरे बच्चे छोटे तू अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता। इसलिए ये जदों कमरा शिफ्ट करने वास्ते इन्हें ट्रंक चक्या तो ट्रंक भरा सी, जो बिच देखा तो बच्चों दिन तिना देश में आज महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर नमन किया गया। गांधी जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजघाट पर विशेष सर्वधर्म सभा आयोजित की गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी को याद करते हुए दुनिया इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। स्वच्छ भारत बापू का सपना था और उनकी इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी।